Assalamualaikum and you are watching Mughal's Art of Cooking. कैसे हैं सब फ्रेंड्स, होप सो सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं, आज हमारे किचन में बहुत ही मज़े की दाल बन रही है जी। तो हम बना रहे हैं चिकन माश दाल, और वो भी ढाबा स्टाइल में, बिल्कुल ड्राई और बहुत यमी। तो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो ये मैंने माश की दाल लिया है, इसे मैंने 3 घंटे पहले सोक कर लिया था पानी में, इस तरह से वॉश आउट करके। अब हम मैंने लिया है तकरीबन 3 ग्लास के राउंड अबाउट पानी। इसमें डाल रही हूँ हल्दी और नमक, ये डाल के, और साथ में हम दाल डाल देंगे माश की जो हमने सोक की थी, ये डाल के हम इसे बॉयल करेंगे और अच्छे से इसे पका देंगे जी। तो दाल को बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसे कवर करके तो पकने के लिए ढक दूँगी तकरीबन 30 मिनट्स के लिए जी। तो आफ्टर 30 मिनट्स ये देखिए दाल बिल्कुल जो है वो गल चुकी है। तो इतनी ही कंसिस्टेंसी की गली हुई दाल चाहिए। तो चलते हैं इसकी प्रोसेसिंग की तरफ जी। तो चिकन माश दाल के इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कीजिए। ये मैंने ली है माश की दाल बॉयल जो हमने अभी की थी, ये मेरे पास है 1/2 kg के राउंड अबाउट, और ये फुल डन है। और उसके साथ मैंने लिया है चिकन, ये भी मेरे पास है 1/2 kg। साथ में टोमेटो चाहिए हमने, ये 3 अदद लार्ज साइज़ के हैं। और उसके साथ हमें चाहिए गरम मसाला साबुत, ये 1 टेबल स्पून। साथ में प्याज चाहिए स्मॉल साइज़ का स्लाइस। उसके साथ हल्दी चाहिए 1/2 टीस्पून। चिली पाउडर चाहिए 1 टेबल स्पून। उसके साथ नमक चाहिए 1 टीस्पून। उसके साथ मैंने लिया लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मेरे पास है 1 टेबल स्पून। ज़ीरा पाउडर चाहिए हमें 1 टीस्पून। सूखा धनिया पाउडर चाहिए 1 टीस्पून। और साथ में हमें ग्रीन चिली स्लाइस चाहिए। और उसके साथ जूलियन कटिंग किया हुआ अदरक लिया है मैंने, और ग्रीन कोरिएंडर लिया लुब्रिकेशन के लिए। स्टार्ट प्रोसेसिंग जी। तो पैन में मैंने ऑयल डाला है 1 कप। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये अनियन जो हमने स्लाइस किए थे, स्मॉल साइज़ का अनियन लिया था। इसे हमें गोल्डन कलर देना है, और हाफ अनियन जो है वो हम निकाल लेंगे। देखिए गोल्डन कलर हो गया, हाफ अनियन हमने निकाल लिया। बाकी के में मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसे हम सोटे करेंगे। और उसके साथ ऐड कर देंगे चिकन, और चिकन के साथ ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। और जैसे ही चिकन थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है, कलर चेंज करता है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टोमेटो। और टोमेटो डालने के बाद आप इसे कवर करके तकरीबन 5 to 7 मिनट्स के लिए कुक करेंगे, क्योंकि टोमेटो पानी छोड़ देंगे इस तरह से जी। तो ये देखिए टोमेटो का पानी कितना ज़्यादा रिड्यूस हो गया। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बाकी के स्पाइसेस। हम डाल रहे हैं रेड चिली पाउडर, उसके साथ डाल रहे हैं साबुत गरम मसाला, और उसके साथ नमक। तीनों चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा जूलियन किया हुआ अदरक डाल दीजिए। तो ये डाल के हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे कवर करके तकरीबन 5 मिनट्स के लिए पकाएंगे, क्योंकि इसी पानी के अंदर चिकन जो है वो गल जाएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो आप पानी डाल के भी इसे पका सकते हैं, क्योंकि हमें चिकन को फुल डन करना है जी। तो ये देखिए आफ्टर 5 मिनट्स चिकन की कंसिस्टेंसी, उसकी वाटर लिक्विड कंसिस्टेंसी, बस इसे आपने स्लो फ्लेम में फिर ढक के तकरीबन 5 मिनट्स के लिए पकाना है इस तरह से जी। तो ये देखिए चिकन बिल्कुल गल चुका है, और मुझे पानी डालने की ज़रूरत पेश नहीं आई। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जो हमने बॉयल की थी माश की दाल, वो हम ऐड कर देंगे। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम स्पाइसेस दाल के साथ अच्छी तरह से मर्ज हो जाएं। और उसके बाद आप इसे टेस्ट कर सकती हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। आप इसके अंदर नमक ऐड कर सकती हैं, क्योंकि अभी जो हमारे पास पाउडर स्पाइसेस हैं वो हम लास्ट में ऐड करेंगे, इसीलिए अभी ज़रूरत नहीं है। बस इसे कवर कीजिए, और तकरीबन 5 मिनट्स के लिए हम इसे स्टीम में पकने के लिए रख देंगे जी। तो ये देखिए आफ्टर 5 मिनट्स ये बिल्कुल रेडी हो गई है। दाल भी गल चुकी है, चिकन भी, और सब मसाले मर्ज हो गए। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, साथ में चिली, और उसके साथ जूलियन कटिंग किया हुआ अदरक और ग्रीन कोरिएंडर। लीजिए हमारी यम्मी मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल माश की दाल चिकन बिल्कुल रेडी है। तो चलते हैं हम इसकी असेंबलिंग की तरफ जी फ्रेंड्स। तो इसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा ऑयल उतार लिया था, जो मैं लास्ट में ऊपर ड्रिजल कर रही हूँ तड़ी के तौर पे। कितनी मज़े की, कितनी यमी ढाबा स्टाइल की हमारी माश की दाल विद चिकन रेडी हो गई। इस तरह से हमने इसे ढाबा स्टाइल में ही प्रेजेंट कर दिया। और उसके साथ हमने बनाई है ये रुमाली रोटी, इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब वहाँ से पिक कीजिए, बनाइए और इन्जॉय कीजिए। अब ढाबा स्टाइल की चिकन
दाल अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ बच्चों के साथ। तो मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह ने के बाद।